फरुखाबाद में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित चार लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है। ये वाद हिंदी समाचार साप्ताहिक के संपादक विष्णु नारायण दीक्षित ने दायर कराया है। वहीं कोर्ट ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को 500 आईपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे, जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। चूंकि 11 फरवरी को रोड शो के दौरान लखनऊ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री चोर है चोर के नारे लगवाए, जिसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एबीपी न्यूज जी न्यूज अन्य समाचार पत्रों अमर उजाला दैनिक जागरण में भी छपा है और उन्होंने चोर के नारे लगवाए। इस तरीके से देश के संवैधानिक पद पर आरूढ़ माननीय प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहना, ये इससे हमारा ही नहीं हमारे समस्त देशवासियों का लज्जा से सिर झुक गया है और उनकी मतलब गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हमारे यहाँ कुंभ का मेला भी चल रहा है, यहाँ देश विदेश से लोग आए हैं जिन्होंने टीवी चैनल देखे समाचार पत्र पढ़े, जिनको इससे ये महसूस हो रहा है कि देश जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हमारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कह रहे हैं, इससे हमारे सभी देशवासियों को ठेस पहुंची है, मुझको भी ठेस पहुंची है। इसीलिए आज मैंने न्यायालय में मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पीएल पुनिया और राज बब्बर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। फिलहाल मामला तो दर्ज कर लिया गया है और मामले में सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख भी तय कर दी है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पंजाब केसरी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।